एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बॉन्ग राइडर गर्ल जेनी और बहुत दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा बाहर निकल नहीं पाती हूँ क्योंकि जॉब कर रही हूँ, नया जॉब है तो यहाँ पे एफर्ट देना पड़ रहा है। और नया जॉब मिलता है तो आप लोगों को भी पता है कि एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ना हो तो कोई वैल्यू नहीं है। तो हाँ, मैं टेक महिंद्रा में जॉब कर रही हूँ और मुझे एकदम टाइम नहीं मिला था। मैं अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे बर्थडे के एक दिन पहले के सर चले गए हम लोग को छोड़ के, तो मैं एकदम ही सेलिब्रेट नहीं कर पाई। तो आज मैं खुद आई हूँ खुद के लिए सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि मुझे ये इस रेस्टोरेंट पर विज़िट करना था, ओजोरा। यस, ओजोरा ऑसम रूफ टॉप एम्बियंस, वार्म्थ एटीट्यूड फ्रॉम द स्टाफ, एक्सेलेंट डिशेस, स्पेशली यमी ऑसम डिज़र्ट। इट्स अ नंबर 1 रूफ टॉप बार इन कोलकाता। येस, आप लोग अगर कोलकाता आएंगे तो प्लीज़ ओजोरा आना मत भूलिएगा। ओजोरा नंबर 1 रूफ टॉप बार है, जो सबसे हाईएस्ट रूफ टॉप बार है कोलकाता में। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती। बस मैं अंदर घुसी हूँ, मैं अपना एक्साइटमेंट बता नहीं पा रही हूँ। और हाँ, मैं ये वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था तो वो मुझे मैं कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इस वजह से मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। नहीं तो मैं नेचुरल जो वॉइस है वही रखती। तो आप लोग देख सकते हैं, बस मैं अभी रूफ टॉप पर आ गई हूँ। मतलब क्या बोलूँ, मुझे लग रहा है कि मैं तो आसमान में हूँ। आई एम फकिंग हाई मैन, ओ माय गॉड। कोलकाता में इतने दिनों से रह रही थी लेकिन मुझे बहुत बहुत दिनों से इस रेस्टोरेंट पर आना था, ये इस रूफ टॉप बार में। मैं क्या बताऊँ, प्राइस भी उतना ज़्यादा हाई नहीं है, पर पर्सन 1000 रुपीज़। उसके साथ आप खाना खाएंगे, जो भी खाएंगे उसके ऊपर ये भी एडजस्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं पूरे कोलकाता दिख रहा है, ओ माय गॉड, पूरे कोलकाता दिख रहा है। देखिए, मतलब बस सोचिए, ये देखिए चांद भी निकल आया इतना खूबसूरत सा। सो आप लोग समझ सकते कि मैं कैसी फील कर रही थी। हाँ, मैं अकेली थी लेकिन मुझे नहीं लग रहा था मैं अकेली थी, पूरे कोलकाता मेरे साथ था। और बस आई हैव नो वर्ड। देख, आप लोग देख सकते कि एम्बियंस कैसा है। आप लोग जब भी कोलकाता आएंगे, एक्रोपोलिस मॉल में आप लोग विज़िट कीजिए। उसके बाद 20th फ्लोर पे आप लोग को जाना है। आप लोग बस एक बार आइए ओजोरा में, बस मैं क्या बताऊँ। आप लोग बस देख ही पा रहे हो कि मैं क्या फील कर रही थी। मुझे लग रहा है कि मैं बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़ी हूँ, ऐसा लग रहा था। पूरे कोलकाता सिटी दिखता है और मुझे लगता है मेरे बर्थडे के लिए इससे ज़्यादा अच्छा। हाँ, ये रहा मेरे टेबल, मैंने एक हुक्का लिया है और एक बियर लिया है और पास्ता अभी ऑर्डर ही किया है, आने वाला है। बस मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। और ये कैंडल लाइट, मतलब क्या बोलूँ, सब मुझे कमेंट कर रहे हैं ये क्या कोई रोमांटिक डिनर है बॉयफ्रेंड के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अकेली गई थी और मैं खुद बहुत दिनों से परेशान थी। हाँ, और सच बताओ तो मेरे फ्रेंड सर्कल उतने अच्छे नहीं हैं कि मैं सबको खुश करने की कोशिश करती हूँ पर मुझे कोई खुशी नहीं देता है, ये सच बात है। मतलब दोस्ती में भी धोखा। तो खुद को खुश रखने के लिए बस आ गई मैं ओजोरा में। बहुत बहुत दिनों से प्लानिंग कर रही थी कि यहाँ पे ही जाना है बर्थडे में, और अभी आ गई मैं। आप लोग देख सकते हैं क्या पूरे कोलकाता सिटी दिख रहा है, फिर से बता रही हूँ। प्लीज़ आप लोग अगर कोलकाता आइएगा तो ज़रूर विज़िट करना ओजोरा, डेफिनेटली विज़िट करना ही पड़ेगा। और करके फिर मुझे बताना कि पैसा वसूल नहीं हुआ ना, तो मुझे बताना कमेंट करके मेरे वीडियो में। मैं तो लग रहा है कि मेरे पास 2 विंग्स आ गए हैं। यस, आई एम द ईविल क्वीन। मुझे 2 रेड विंग्स चाहिए था और वो रेड विंग्स मुझे मिल गया है, और अभी मैं उड़ के चली जाऊँगी हेल पर। यस, आई लव हेल, नो आई डोंट लव हेवन। यस, आज के लिए इतना ही। मैं तो बहुत मज़े किए हूँ और आप लोग भी मज़े करना। अगर ज़रूर आना ओजोरा में, ओजोरा आना मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन।